नमस्कार, मैं खुशबू परमार उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार। महाकाल विस्तारीकरण की जद में आई बैगमबाग कच्ची बस्ती में मुआवजा वितरण के साथ ही मकानों का हटना भी शुरू। जिला अस्पताल के चरक भवन में आरंभ हुआ नेत्र विभाग, मरीजों के पहुँचने के साथ ही ऑपरेशन भी हुए। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर शातिर ठग ने युवती से की 7 लाख की ठगी। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने किया मय हथियार गिरफ्तार। और 36 देशों की अंतर्राष्ट्रीय छाया प्रतियोगिता में उज्जैन के युवक को मिला कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। कोट मोहल्ला के पास बैगमबाग कच्ची बस्ती के रहवासियों ने मुआवजा लेकर मकान हटाना शुरू कर दिया और इसी के साथ लोगों को 3-3 लाख का मुआवजा भी दिया गया। कोट मोहल्ला के पास स्थित बैगमबाग कच्ची बस्ती के रहवासियों ने मुआवजे लेकर मकान हटाना शुरू कर दिए हैं। अब तक 37 मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है। इन्हें महाकाल मंदिर प्रबंध समिति प्रत्येक मकान के 3 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 500 मीटर परिधि के सभी अतिक्रमण हटाने और नए निर्माण पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। बेगमबाग कच्ची बस्ती के मकान हटाए जाने हैं, अभी 20 मकान हटाए जा रहे हैं। 37 लोग मुआवजा लेकर मकान हटाने के लिए राजी हो गए हैं। अन्य रहवासियों से भी प्रशासन ने बैंक खाता नंबर मांगे हैं ताकि मुआवजा राशि जमा कराई जा सके। 7 दिन बाद से मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। अधिग्रहण के बाद खाली कराई गई जमीनों का उपयोग मंदिर के विस्तार में होगा। निगम ने बेगमबाग कच्ची बस्ती का व्यापक सर्वे कर मकानों को चिन्हित किया है। कार्यवाही से संतुष्ट रहवासी शमशाद भी का कहना था, मकान के ऊपर से दिया है हमारे मुआवजा जी। मेरे बच्चे को, मेरे को 3-3 लाख मिला है जी। हमारे खाते में आ गए हैं और हमने निकाल लिए हैं और हमने इस बात की सहमति भी दे दी है क्या आप मकान तोड़ सकते हैं हमारा। यह भी पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्व रहवासियों को पर्चे बांट रहे हैं जिसमें भ्रामक जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने रहवासियों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने का आग्रह किया है। कार्रवाई से असंतुष्ट रहवासी मोहम्मद शरीफ कुरैशी ने अपनी पीड़ा कुछ यूं बताई। मेरा मकान चल के आप अच्छा। वीडियो कैमरा लेके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने पौने छह लाख रुपए में खरीदा, 13 लाख उसको लगाए। ठीक है, वो 3 भाई रहते हैं, हम 3 भाई रहते हैं उसमें और सिर्फ एक नाम है तो 22 लाख की कीमत 3 लाख है क्या? बताया सर, हाथ पे तक जोड़े कि हम 3 एक बाप की 3 औलाद हैं हम। आगे आगे सोचिए, कोई किसी की नाजायज औलाद नहीं है। खरीद के बनाया सर, कोई कब्जा करके नहीं बनाया। मौके पर पहुंचे स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र चौहान इस बाबत बताते हैं, बेगमबाग में जो जिन लोगों ने अपने प्रस्ताव रखे थे कि उनको जो नगर निगम की ओर से हम लोग मकान बनाकर दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि उनको मकान नहीं चाहिए थे और उनको उसके एवज में राशि की पदाई की है तो प्रावधान के अंतर्गत 3 लाख रुपये की राशि उसमें हर एक व्यक्ति को जिन्होंने अपने आवेदन दिए थे और अपनी डिटेल्स दी थी उनको पदाई किए गए। अभी तक ऐसे 20 मकान हैं और 37 परिवार हैं जिन लोगों ने अपनी सहमति दी थी, जिनके खातों में राशि भी जारी कर दी गई है और उन लोगों ने अपने मकान खाली करना शुरू कर दिए थे। उसी के संबंध में आज यहाँ पर हम लोग आए थे कि बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी अपने जो डिटेल्स हैं वो बताया करें ताकि उनके खातों में भी राशि बताया कर दी जाए। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार जिन्होंने मुआवजा राशि के लिए बैंक खाता नंबर नहीं दिए वे 3 दिन में दे सकते हैं। जो रहवासी बैंक खाता नंबर 3 दिन में नहीं देंगे उनकी राशि लैप्स मानी जाएगी तथा 7 दिन बाद मकान हटा दिए जाएंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हम लोग 3 दिन का समय दे रहे हैं कि 3 दिन के अंदर 1 लाख रुपए का मुआवजा है उसको लेने के लिए वो अपने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर नहीं 3 दिन के अंदर करेंगे तो माना जाएगा कि वो उसको नहीं लेना चाहते हैं और बलात् फिर विस्थापन कार्रवाई करेगी। जिला अस्पताल के चरक भवन में शुरू हुआ नेत्र विभाग, मरीजों के पहुंचने के साथ ही शुरू हुआ ऑपरेशन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरीज बढ़ने के साथ ही जिला अस्पताल के चरक भवन में कोविड सेंटर शुरू किया गया था जिसके चलते पूर्व में संचालित नेत्र विभाग को बंद कर दिया गया था। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने से कोविड सेंटर चरक अस्पताल से खाली होने के बाद यहां पर नेत्र विभाग शुरू हो गया है। साथ ही यहां के मरीजों का इलाज भी किया जाने लगा है। यहां भर्ती महितपुर जगौटी निवासी हीरालाल का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन भी कर दिया गया। पूर्व में आँख की बीमारी के मरीज इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, अब उन्हें चरक अस्पताल के नेत्र विभाग में इलाज मिल सकेगा। यहाँ पर
30 बेड का आई वार्ड भी संचालित किया जा रहा है। आई विभाग के प्रमुख नीलेश चंदेल ने बताया कि चरक अस्पताल में नेत्र विभाग की ओपीडी भी संचालित की जा रही है, जहां मरीज अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। आज पहले कोविड के मरीज इसमें भर्ती थे, कोविड के मरीज खत्म होने के उपरांत इनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। उसके बाद फ्यूमिगेशन करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर करवाया गया। वो कल्चर नेगेटिव आने के बाद आज से हमने पेशेंटों को भर्ती करके ऑपरेशन शुरू किए हैं। कल एक मरीज को जो कि हीरालाल जी हैं, महितपुर के जगोटी ग्राम के हैं, उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशनों का ट्रीटमेंट यहाँ पर करा सकते हैं, निःशुल्क करा सकते हैं। युवती को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर की 7 लाख की ठगी। पूर्व में भी ठगी के प्रकरण में सजा हुई थी आरोपी को। बड़नगर की रहने वाली युवती पायल ऋचा पिता महादेव द्वारा शिकायत की गई कि मेरे साथ पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोर माली निवासी उज्जैन द्वारा 7 लाख की ठगी की गई है। युवती ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि 2017 में उसने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी। आरोपी युवती को वहीं परीक्षा के दौरान किशोर माली मिला था, जिसके बाद से ही आरोपी किशोर माली द्वारा उससे कहा जा रहा था कि तुम्हारे आदेश जल्द ही करवा दूंगा और तुम्हारी नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे से हो जाएगी। ऐसा झांसा देकर आरोपी द्वारा युवती से बीते 3 सालों में 7 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी शिकायत बड़नगर पुलिस में युवती ने दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर 420 की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, एक व्यक्ति है उज्जैन में रहता है, किशोर नाम का है। हम एग्जाम देने गए थे, उसके बाहर ही हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, तो उनका ही कहना है हम बहुत बहुत खराब कंडीशन, बहुत खराब परिस्थिति में हमने उनको पैसे दिए, मम्मी के गहने वगैरह बेचे, मेरा मोबाइल तक बेचा मैंने। पर मैं आज इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। सर, मेरे कम से कम 7 लाख रुपये सर स्पोर्ट्स कोटा के तहत हमसे ऐसा करवाया है, आरोपी द्वारा पूर्व में भी कोतवाली थाना अंतर्गत आबकारी अधिकारी बनकर ठगी की गई थी और उसे उसमें भी सजा हुई थी। बड़नगर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने एक लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने 7 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। ये लगभग 3 साल से उससे लगातार पैसे लेते आ रहा था, लेकिन जैसा उसने उसको विश्वास दिलाया था पुलिस की नौकरी लगाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने शिकायत करी थाने पे तो उसकी जांच की गई, जांच में पाया गया कि उस व्यक्ति पहले भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुका है और उस एक मामले में तो उसे सजा भी हुई है। हमने केस रजिस्टर कर लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके यहाँ से जो घर है उसमें कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों से इसमें धोखाधड़ी की है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक प्रकरण उस पर पहले दर्ज हो चुका है जिसमें उसने आबकारी निरीक्षक बनकर लोगों से धोखाधड़ी करी थी, उस पर उसको सजा भी हुई। पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए पुलिस ने 5 बदमाशों को मय हथियार गिरफ्तार किया है, पुलिस कर रही है जांच। बड़नगर रोड निवासी धर्मडला के पास खंती में पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते हुए हथियारबंद 5 बदमाश विकास पिता प्रकाश वाडिया निवासी हाथीपुरा 29 वर्ष, गुलशन पिता शीतल प्रसाद कुलमी निवासी शास्त्री नगर 33 वर्ष, गुलशन पिता राजीव कुमारे निवासी काला पत्थर 30 वर्ष, कुलदीप पिता संतोष यादव निवासी नारायणपुरा 18 वर्ष, जलज पिता संतोष जोशी निवासी नानाखेड़ा थाना क्षेत्र 19 वर्ष और कपिल पिता छितरवाड़िया निवासी नारायणपुरा 21 वर्ष को चिंतामन थाना पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़ाए बदमाश बड़नगर रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। आरोपियों से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पेट्रोल पंप लूटने की पूरी तैयारी की बात कबूली है एवं आरोपियों से अन्य मामले में भी पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए थाना चिमचगंज के उप निरीक्षक सचिंद्र पाल सेंधव ने बताया, ये कल रात के करीब 8:30-9 बजे की बात है, खबर मिली थी कि आगर रोड खुशी पेट्रोल पंप पे लूट करने की योजना 4-5 लोग बना रहे हैं और कुक्की ढाबे के पीछे वो लोग खेत में बैठे हैं।
खबर के हिसाब से हम वहाँ पहुँचे, दबिश थी, तो उनके पास एक के पास एक देसी कट्टा था, उसमें एक राउंड भी था और दो चाकू भी थे, एक के पास तलवार थी और एक के पास लोहे की रॉड थी। सभी लोगों को पूछताछ करी तो उनने कबूला कि हाँ हम खुशी पेट्रोल पंप पे जा रहे थे लूट करने के लिए। सभी को मौके पे गिरफ्तार किया और उन पर हमने डकैती का प्रयास करने की और अवैध हथियार रखने की धाराएं लगाई। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान हो गई मौत, पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। ग्राम करोदिया निवासी संतोष पत्ता दरियाव सिंह जो 24 तारीख को करोदिया से डेलची जाने के लिए मोटरसाइकिल पर निकले थे, मार्ग में एक्सीडेंट होने के बाद गंभीर रूप से घायल संतोष को उज्जैन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया व शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बारे में मृतक के अंकल नारायण राव ने बताया। ये सर करोदिया से डेलची जा रहा था, रास्ते में माकड़ों से डेलची जा रहा था, जहाँ सरस्वती स्कूल है उसके थोड़ा सा आगे जाके इनका एक्सीडेंट हुआ है। टू व्हीलर से। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसको वहाँ से फिर हम थाने में लाए, थाने से फिर गाड़ी ने करके हमको अस्पताल में रेफर किया और यहाँ जेके नर्सिंग अस्पताल में 11 दिन से इसका इलाज चल रहा था और आज ये दुर्घटना हुई। क्या करते थे ये? मजदूरी करते थे। कार्यवाही की जानकारी देते हुए माधवनगर SI यशवंत कछवाहे ने कहा। ये सर मृतक संतोष पिता दरियाव परमार निवासी करोदिया के रहने वाले हैं, तो थाना इनका माकड़न लगता है। इनकी मृत्यु एक्सीडेंट माकड़न के पास ही एक्सीडेंट हो गया था। 24 तारीख को इनको JK हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान इनकी गंभीर चोटें आई हुई थी, जिसे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। 36 देशों के प्रतिभागियों के बीच उज्जैन के युवक ने लहराया परचम, अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट फोटोग्राफी में कांस्य पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित गोल्डन रिट्रो अवार्ड की स्ट्रीट फोटोग्राफी में उज्जैन के 19 वर्षीय कुलदीप केलवा का तीसरा स्थान लगा है। प्रतियोगिता में 36 देशों के प्रतिभागियों ने फोटोग्राफी के 8 सेक्शन में हिस्सा लिया था। कुलदीप के द्वारा 2016 सिंहस में लिए गए 6 फोटो अवार्ड में चयनित हुए व एक खास फोटो के आधार पर उन्हें कांस्य पदक मिला है। इसकी जानकारी कुलदीप को आधिकारिक ईमेल द्वारा मिली। स्ट्रीट फोटोग्राफी में हांगकांग को गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया को सिल्वर व भारत को ब्रॉन्ज मिला है। कुलदीप से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, मैं एक दिन देश के नाम गोल्ड मेडल हासिल करना चाहता हूँ, मेरी कोशिश लगातार जारी है। मेरे टोटल 6 फोटो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एक फ़ोटो है जो स्ट्रीट सेक्शन में 3rd नंबर पर आया। और कौन सी उम्र से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पर आपको 3rd नंबर लगा है? मैं फोटोग्राफी 2014 से कर रहा हूँ और मेरे तो मतलब दूसरी बार पार्टिसिपेशन किया है मैंने और दूसरी बार में अवार्ड लगा है मुझे। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? मतलब अनुभव तो बहुत ही अच्छा हो रहा है इसका, क्योंकि दूसरी बार में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। आगे और क्या आप करना चाहेंगे फोटोग्राफी में? जैसे आपने सीएस में आपने बताया कि हाँ। किया तो आगे और कौन से इवेंट आप ऐसे कवर करना चाहेंगे, किस में आपका इंटरेस्ट है जो आपको और इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को ले जाना चाहेंगे? मेरा स्ट्रीट वगैरह का है, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो अब उसी में आगे करना। फ्लिपकार्ट के कर्मचारी को चकमा देकर भागा मोबाइल हड़पने वाला, आरोपी किया गया गिरफ्तार, नए तरीके से की गई थी वारदात। फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारी ने जब मोबाइल मंगवाने वाले रंजीत सैनी निवासी राजपूत कॉलोनी से संपर्क कर कहा कि आपका मोबाइल आ गया है, तो रंजीत सैनी ने कंपनी के कर्मचारी श्याम पटेल को स्थान विशेष पर मिलने के लिए कहा। शाम जब उस स्थान पर पहुंचा तो रंजीत सैनी ने उससे पैकेट मांगा। शाम के द्वारा पैकेट थमाते ही रंजीत चकमा देकर निकल गया। फलतः शाम ने नीलगंगा थाने में घटना की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया। फ्लिपकार्ट कर्मचारी श्याम पटेल ने घटना की जानकारी दी। सर मैं फ्लिपकार्ट में ई-कार्ट मतलब जॉब करता हूँ कोरियर बॉय की, तो वहाँ पर सर कस्टमर ने फ़ोन ऑर्डर किया था, तो गणेश मंदिर के पास जयसिंहपुर में बुलाया था मेरे को और वहाँ से वो फोन छीन के भाग गया था। नीलगंगा थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी की तलाश कर उसे राजपूत कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। देखिए तकरीबन 10-15 दिन पहले जो है फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय था
वो ये शिकायत लेकर आया था कि एक व्यक्ति ने, रंजीत सैनी नामक व्यक्ति ने जो है एक मोबाइल जो है फ्लिपकार्ट के माध्यम से बुक कराया था, और बुक कराने के बाद जो है उसकी डिलीवरी चाहिए थी। डिलीवरी बॉय जब डिलीवरी देने आया तो जो नंबर उसने कॉन्टैक्ट नंबर बुकिंग के समय दिया था उस पर उसने डिलीवरी के लिए संपर्क किया। जब संपर्क किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो है फलानी जगह पर, जगह पर्टिकुलर जगह बताई, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, आप वहाँ आ जाए। डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँचा तो उसने डिलीवरी बॉय से जो है अपना मोबाइल फ़ोन जो मंगाया था फ्लिपकार्ट से वो और उसके बिल वगैरह देखने के लिए लिए, और उसके बाद जो है डिलीवरी बॉय को चकमा देकर वहाँ से वो भाग गया था, जिस पर हम लोगों ने जो है प्रकरण दर्ज किया था। उप प्रकरण की विवेचना में जो है प्रधान अधीक्षक राहुल कुशवाहा जो है हमारा, उसने विवेचना की, और विवेचना के दौरान जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी जो है रंजीत सैनी है, जो फिलहाल राजपूत कॉलोनी में चिमनगंज क्षेत्र में रह रहा है, स्थायी रूप से जो है नई आबादी हरसूद का रहने वाला है, उसको हमने प्रकरण में गिरफ्तार किया है। और संबंधित सभी थानों को हम लोगों ने सूचित भी किया है कि इस तरह की कोई घटना अगर किसी अन्य थाना क्षेत्र में घटित होगी तो वो आगे इससे पूछताछ कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे चलते हैं वैद्यशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल विस्तारीकरण की जद में आई बैगमबाग कच्ची बस्ती में मुआवजा वितरण के साथ ही मकानों का हटना भी शुरू। जिला अस्पताल के चरक भवन में आरंभ हुआ नेत्र विभाग, मरीजों के पहुंचने के साथ ही ऑपरेशन भी हुए। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी दिलाने का झांसा देकर शातिर ठग ने युवती से की 7 लाख की ठगी। पेट्रोल पंप लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को पुलिस ने किया मय हथियार गिरफ्तार। और 36 देशों की अंतर्राष्ट्रीय छाया प्रतियोगिता में उज्जैन के युवक को मिला कांस्य पदक। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।